अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड रोल। बहुत ही जबरदस्त और बेकरी जैसे ये बनकर तैयार होते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 कप मैदा, आधा कप दूध, दूध हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर का लेना है, 1/2 टीस्पून नमक, 3 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून चीनी, 1.5 टीस्पून ईस्ट। पानी हम हसब जरूरत इस्तेमाल करेंगे और पानी मैंने यहाँ पे नीम गरम इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम इसकी डो गूंद लेंगे। डो तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं मिल्क में ईस्ट ऐड कर दूंगी, चीनी ऐड कर देंगे, ऑयल ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसको एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पे जो हमने मैदा लिया है इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। मैदा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमने ईस्ट और मिल्क को ऐड किया था इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसको ज्यादा हमें रखने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से हम इसको आटे में मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे और जब ये हमें हार्ड लगेगा तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें नीम गर्म पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमें हसबे जरूरत इस्तेमाल करना है। थोड़ा और इसमें हम पानी ऐड करेंगे, अच्छे से इसको गूंद लेंगे। इस तरह से हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और अगर आपको ये थोड़ा स्टिकी सा लगे तो आप 1/2 टेबल स्पून इसमें ऑयल लगा के भी इसको गूंद सकते हैं। देखें हमारी डो अच्छे से तैयार है। अब यहाँ पे हम इसको कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए, इसको राइस होने देंगे। जब तक हमारी डो राइस हो रही है तब तक हम यहाँ पर चिकन ब्रेड रोल की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम, यहाँ पे मैंने चिकन लिया है बोनलेस चिकन, इसको मैंने सिंपल बॉईल करके इस तरह से रेशा कर लिया है। 1 अदद दरमियानी साइज की प्याज दी है, इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 2 टेबल स्पून ऑयल, 1.5 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून लहसुन, लहसुन को मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया है, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 4 टेबल स्पून क्रीम। अब यहाँ पर हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो चले चलते हैं हम इसकी फिलिंग को तैयार करने की तरफ। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब यहाँ पे हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, इसको हल्की सी हम फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी हल्की सी नरम हो गई है, 1 मिनट के लिए हमने इसको नरम किया है। अब यहाँ पे हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे, अच्छे से हम लहसुन को भी 1 मिनट के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट हो गया है लहसुन को फ्राई होते हुए। अब हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड कर देंगे। सॉरी मैं आपको मिल्क बताना भूल गई थी, इस टाइम पे हम इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, कुटी लाल मिर्च, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2 to 3 टेबल स्पून, अच्छे से इसको अब हम लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब यहाँ पर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, जो चिकन हमने यहाँ पे रेशा करके रखी थी, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम की दी है, फ्लेम को हमने यहाँ पे हाई नहीं करना है वरना ये बहुत ही ड्राई हो जाएगी। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करने से इसमें बहुत ही जूसी सा जायका आता है, इसका टेस्ट जो है बहुत जबरदस्त सा आता है। अच्छे से हम फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे, इसको हम मिक्स करके इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस तरह से हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेनी है और इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि ये जूसी जूसी रहे, ये एकदम ड्राई ना हो। देखें अच्छे से मिक्स हो गई है और अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसे एक साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने फिलिंग तैयार की थी हमने वो ले ली है, साथ ही हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून केचप लिया है। अब हम केचप को फिलिंग में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पकाते वक्त हमने इसमें इसलिए केचप ऐड नहीं की थी वरना ये बहुत ड्राई हो जाती है, हमें ये जूसी चाहिए क्योंकि अभी हम इसे बेक करेंगे तो ये वैसे ही ड्राई हो जाता है मसाला, तो इसलिए हम इसकी जो फिलिंग है
उसमें केचप बाद में ऐड करेंगे, इससे बहुत ही जबरदस्त सा टेस्ट आएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पे हमने एक अदद अंडा लिया है, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है, इससे हम एग वॉश करेंगे। और यहाँ पे एक कप चीज ली है, इन्हें हम अभी एक साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे जो अब हमारा डो है वो अच्छे से राइस हो चुका है, इसको हम एक दफा फिर से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए कितना अच्छा सा ये राइस हो चुका है। 1 मिनट के लिए हम इसे दोबारा से इसमें मुखियां लगाएंगे ताकि ये और ज्यादा स्मूथ हो जाए। देखिए ये अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब हम इसे बेल लेंगे। अब यहाँ पे हम मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से और इसकी एक रोटी बेल लेंगे, बड़ी सी। हमने यहाँ पे इसकी रोटी बेलनी है एक रेक्टेंगल शेप की। यहाँ पे हमने इसकी बड़ी सी एक रेक्टेंगल शेप की रोटी बेल ली है। रोटी को हमने ज्यादा मोटा नहीं रखना है, नॉर्मल इसको हम बेल लेंगे। अब बीच में से हम इसके इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे देखें ये 2 पीस हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी थी इस तरह से हम वो ऐड कर देंगे इसके सेंटर में। इस तरह से हमने इस फिलिंग को ऐड कर देना है। इस तरह से चिकन ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर चीज ऐड करेंगे। अब यहां पर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पहले हम एक साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे और ये जो अब दूसरी साइड है अब इस साइड को हम इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम इस वाली को भी फोल्ड कर लेंगे। पहले हम इस तरह से एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर जो दूसरा साइड है हम इसको इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये खुले ना। देखें अच्छे से ये फोल्ड हो चुकी है। अब हम इसको कटर की मदद से इस तरह से पीसेस में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम सारे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है और इसको मैंने ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। अब इस तरह से ये हम उठा के इसमें रख देंगे। इस तरह से हम सारे रख देंगे। अब यहाँ पे हम इसको सिंपल ब्रश से एग वॉश कर लेंगे इस तरह से। इस तरह हम सारे कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक पतीला ले लिया है और इसको मैंने इस तरह से इसमें कोई भी आप बर्तन या प्लेट रख सकते हैं। मेरे पास केक का पैन था तो मैंने वो रख दिया है और इसको हमने कवर करके स्टीम होने के लिए छोड़ दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। इसको हम हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। पतीला हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर हमने जो ब्रेड रोल तैयार करके रखे थे अब हम इसमें वो रख देंगे। बिल्कुल एहतियात से आपने रखना है पतीला क्योंकि बहुत गर्म है। इसको पतीले से टच नहीं करना है, पतीले की जो किनारे हैं जो साइडें हैं उसमें से स्टीम इस पे आनी चाहिए। और यहाँ हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको बेक होने देंगे 25 से 30 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट हो चुके हैं इसको बेक होते हुए। ये बहुत गर्म है, आपने इसको आहिस्ता से खोलना और देखें कितने जबरदस्त से माशाल्लाह से हमारे ये बनकर तैयार हुए हैं चिकन ब्रेड रोल। अब हम यहाँ पे इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे सिंपल निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितने जबरदस्त से हमारे ब्रेड रोल्स बनकर तैयार हुए हैं। आप जरूर ट्राई करिएगा और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितने जबरदस्त से ये हमारे तैयार हुए हैं। आप जरूर ट्राई करिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।